नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीत। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट हुए फ़ोटोज़ को वापस ला सकते हैं, वो भी बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी एप्लीकेशन के, और यहाँ तक कि बिना इंटरनेट के। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर हज़ारों वीडियो देखे होंगे जहाँ पर यह बताया जाता है कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन पर डिलीट हुए फ़ोटोज़ को वापस ला सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है या फिर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और इंटरनेट की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कमाल की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी एप्लीकेशन के और बिना किसी इंटरनेट के आप अपने मोबाइल से डिलीट हुए फोटोज को वापस ला सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, कुछ ही मिनटों में। तो दोस्तों, ये आप किस तरीके से कर सकते हैं और इसके लिए क्या करना होगा, तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जानने के लिए आप बने रहें वीडियो पर, बिना स्किप करें शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो लाल कलर का आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, इसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, बाजू में एक घंटी का बटन बन के आ जाएगा, तो आपको इसको जरूर से दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करें चलिए इसी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट हुए फ़ोटोज़ को वापस लाना, रिकवर करना बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी इंटरनेट के, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों, आपको आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फाइल मैनेजर होता है, फाइल मैनेजर को इस तरीके से ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से फाइल में आपको चले जाना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से फाइल्स होने लगेंगी, जो भी नाम होते हैं फोल्डर्स के, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ में यहाँ पर मेरा जो मोबाइल फ़ोन ये MI का है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ में 3 लाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आपका फ़ोन कौन सी कंपनी का है ये उस पर डिपेंड करता है। ये लाइन आपको राइट साइड में भी दिख सकती है, नीचे भी दिख सकती है, या फिर ये डॉट में भी दिख सकती है आपके यहाँ पर 3 डॉट में। तो इस तरीके से आपको इन पर इस तरीके से टच करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा एकदम लास्ट में नीचे की तरफ में। तो आपको ये जो सेटिंग है इस पर टच करना है। तो जैसे ही आप सेटिंग पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो पहला वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, शो हिडन फाइल्स, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑफ है, तो इसको आपको इस तरीके से ऑन कर देना है। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर बैक हो जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर बैक होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन में जो जो फाइल अभी तक हिडन रही होगी तो वो यहाँ पर शो करने लगेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें करना ये है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में फाइल में हमें एक DCIM करके एक फोल्डर होता है, उसको खोजना है, उसको सर्च करना है। तो यहाँ पर हम DCIM फोल्डर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये देखिए मेरे मोबाइल फ़ोन में ये है DCIM फोल्डर। इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में भी DCIM फोल्डर को आपको ढूंढना है और उसके बाद इसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा पेज, जहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में ऊपर में एकदम टॉप पे यहाँ पर लिखा है थंबनेल्स। तो दोस्तों, जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन में अभी तक हमने फोटोज़ डिलीट किए हैं वो इस थंबनेल वाले फोल्डर में अवेलेबल है। पर दोस्तों, ये इस तरीके से आसानी से ओपन नहीं होगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इसको इस तरीके से दबा कर रखना है, होल्ड करके रखना है, और ये नीचे की तरफ में देख सकते हैं मोर लिखा हुआ है, मोर पर टच करके यहाँ पर ये जो फाइल है इसको रीनेम कर देना है। तो यहाँ पर हम फाइल को रीनेम कर देते हैं, जैसा कि देख सकते हैं थंबनेल की फाइल है, तो हमको इसको यहाँ पर रीनेम कर देना है। तो अब हम यहाँ पर रीनेम कर देते हैं, यहाँ पर मैं इसका नेम दे देता हूँ अवनीत के नाम से, ठीक है ना, अवनीत ZONEZONE, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये जो डिलीट फोल्डर है, डिलीट हुए फोटोज़ का फोल्डर है, मैंने इसको रीनेम कर दिया अवनीत जोन के नाम से। इसको ओके कर देना है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पर अवनीत जोन के नाम से ये जो फोल्डर है ये रीनेम हो चुका है। अब आप यहाँ पर इसको इस तरीके से यदि ओपन करते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन में जो जो फोटो जब भी आपने डिलीट की होगी वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगी, दिखाई देने लगेगी। जो भी दोस्तों अभी तक आपने जितनी भी फोटो डिलीट किए होंगे तो वो यहाँ पर आपको इस तरीके से शो हो जाएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी यहाँ पर मेरे फ़ोन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3236 फोटोज़ हैं जो कि मैंने डिलीट किए थे, कब की थी, कब कब की थी, सब यहाँ पर इस तरीके से शो होने लगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इस ट्रिक की मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट हुए फ़ोटोज़ को रिकवर कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, वो भी बिना किसी कंप्यूटर, बिना किसी लैपटॉप, बिना किसी इंटरनेट, बिना किसी एप्लीकेशन के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे ये जो लाइक बटन होता है इसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ यहाँ से इसको शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये
जो लाल कलर का आप सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं इसको दबाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करते हैं बाजू में एक घंटी का बटन बन के आ जाएगा, तो आपको इसको जरूर से दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।